सीतापुर में बुढ़वाल बालामऊ पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। घटना स्थल पर रेलवे और पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में एक महीने में चौथा रेल हादसा सामने आया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त को मुजफ्फरनगर के खतौली के पास बड़ा रेल हादसा हुआ था। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 14 बोगी पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी जबकि दर्जनों घायल हुए थे। तो एक और ट्रेन हादसा और अपने आप में कई सवाल यह हादसा लेकर आ रहा है। इंजन पटरी से उतर गया और कमोवेश ये जो गाड़ी थी वो काफी धीमी गति में थी और इसी के चलते ये हादसा जो है वो बड़ा नहीं हो सका। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंजन पटरी से उतरा है तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था, कितने लोगों की जानें जा सकती थी। और अब सवाल इस चीज को लेकर कि आखिर कैसे इन हादसों को रोका जाएगा। बहरहाल नए रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रेल व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके और इसी के लिए अब उनकी जो सोच है, उनकी जो रणनीति है वो उस चीज़ को लेकर है कि हादसों को कैसे कम किया जाए, उनमें टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड किया जाए। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब ये रेल हादसे रुकेंगे और यात्री जो हैं वो कब अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।